हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडमिट एडू में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, निलंबित चल कुंडली धारा मापी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निलंबित चल कुंडली धारा मापी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी रचना क्या है या फिर इसकी क्रियाविधि भी पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से पूछा जाए, जितना पूछा जाएगा आपको उसी तरीके से लिखना है, उतना ही लिखना है और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, निलंबित चल कुंडली धारामापी। तो सबसे पहले ये जान लें कि आखिर ये निलंबित चल कुंडली धारामापी क्या होता है और किसके लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे कि इस यंत्र का उपयोग वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए किया जाता है। सिद्धांत पूछा जाता है तो आप इसका सिद्धांत इस तरीके से लिखेंगे कि इस यंत्र का कार्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी धारावाही कुंडली को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसका मान धारा के मान पर निर्भर करता है। तो आप इस तरीके से इसका सिद्धांत लिखेंगे और इसके आगे आप लिखेंगे कि यदि ए क्षेत्रफल के कुंडली में तार के फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी तथा कुंडली के तल पर अभिलंब वह चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य कोण थीटा हो तो विक्षेपक बलाघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन थीटा। तो ये विक्षेपक बलाघूर्ण का मान है। यदि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा इस स्थिति में साइन थीटा में हम थीटा की जगह 90 डिग्री का मान अगर रखते हैं तो हमें यह समीकरण परिवर्तित रूप में इस प्रकार से प्राप्त होगा कि टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए साइन 90। इट इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य करने पर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो यहां पे साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखने पे हमें साइन 90 का मान 1 प्राप्त होता है जिसकी वजह से टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए ये मान प्राप्त होता है। ये जो बलाघूर्ण है तो इसके बारे में आप आगे लिखेंगे कि इस बलाघूर्ण द्वारा कुंडली घूमने लगती है जिससे फास्फर ब्रांच के तार में ऐंठन आने से ऐंठन बल युग्म लगता है। यदि ऐंठन कोण फाई हो तथा बल युग्म सी हो तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण टाउ आर इज इक्वल टू सी फाई होता है। अतः कुंडली की संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण, क्योंकि अगर आपकी कुंडली संतुलित अवस्था में होती है तो उस समय विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। और यहां पे हम विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण निकाल चुके हैं टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए और ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण भी हम प्राप्त कर चुके हैं टाउ आर इज इक्वल टू सी फाई। चूंकि संतुलन की अवस्था में दोनों मान बराबर होंगे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि एन बी आई ए इज इक्वल टू सी फाई। इट इंप्लाइज दैट अब यहां से हम धारा आई का मान निकालेंगे और धारा आई का मान हो जाएगा सी अपॉन एन बी ए इंटू फाई। अगर हम सी अपॉन एन बी ए को स्मॉल के मान लें तो परिवर्तित समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा आई इज इक्वल टू के फाई, जहां पे k इज इक्वल टू सी अपॉन एन बी ए है जिसे हम धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि i इज प्रोपोर्शनल टू फाई, क्योंकि c, n, b और a ये सभी मान नियत होते हैं तो इस प्रकार से c अपॉन एन बी ए का भी मान एक नियतांक प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि धारा i इज प्रोपोर्शनल टू फाई।
इस प्रकार से हम काम करेंगे। अब इसके बाद आता है आपका रचना कि इस धारा मापी की रचना क्या होती है। तो यदि आपसे रचना भी पूछा जाता है तो आप रचना को इस तरीके से लिखेंगे कि इसमें एक आयताकार या वृत्ताकार कुंडली होती है जो तांबे के पृथक्कृत तारों को एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। यह फास्फर ब्रांज की पत्ती द्वारा एक मरोड़ टोपी से लटकी रहती है। इसका संबंध पेंच T1 से होता है। पत्ती पर लगा समतल दर्पण पत्ती के साथ घूमता है जिसका विक्षेप पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी रचना का जो डायग्राम होता है, फिगर होती है, वो किस प्रकार से होता है। तो आइए उसको देखते हैं। ये आपका धारामापी का डायग्राम है। आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना है। ये दो चुंबक हैं, नाल चुंबक हैं, और जो कि N और S ध्रुव वाले हैं, और N और S ध्रुवों के बीच हम इस कुंडली को रखते हैं। तो इसके बारे में हम क्रियाविधि में चर्चा करेंगे। अभी हम रचना को डिस्कस कर रहे हैं। तो रचना में आगे आप ये लिखेंगे कि कुंडली के निचले सिरे से संबंधित स्प्रिंग का संबंध पेंच T2 से होता है। T1 व T2 पेंचों का संबंध बाह्य परिपथ से होता है। कुंडली नाल चुंबक N व S ध्रुवों के मध्य लटकती रहती है। कुंडली के अंदर मुलायम लोहे का क्रोड लगा होता है जो कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। यह संपूर्ण समायोजन एक अचुंबकीय बॉक्स में बंद रहता है। बॉक्स के सामने की दीवार पर कांच लगा होता है तथा आधार पर क्षैतिजकारी पेंच लगे होते हैं। और यहाँ आप इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये कुंडली है जिसे नाल चुंबक के N व S ध्रुवों के बीच रखा गया है। ये ध्रुव गोलीय आकार के हैं और साथ ही इस कुंडली के अंदर एक देखिए यहाँ पे क्रोड लगा हुआ है। तो ये मुलायम लोहे का क्रोड लगा होता है और ये कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। और इस व्यवस्था के द्वारा हमें परिणाम ये प्राप्त होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होती है वो चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो जाती है। त्रिज्य होना आवश्यक है ताकि हमें थीटा का मान 90 डिग्री मिल सके। इस कुंडली के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दर्पण लगा हुआ है और इस दर्पण का संबंध यहाँ मरोड़ टोपी से है और मरोड़ टोपी का संबंध पेंच T1 से है। ये जो तार है ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार होता है और यहाँ पे आप कुंडली के निचले सिरे में देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग का संबंध पेंच T2 से है। T1 और T2 इन दोनों पेंचों को हम बाह्य परिपथ से कनेक्ट कर देते हैं जहां हमें धारा के मान की गणना करनी है। अब इसकी क्रियाविधि के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यदि आपसे क्रियाविधि भी पूछी जाती है तो इसकी क्रियाविधि आप इस प्रकार से लिखेंगे कि धारामापी के आधार को क्षैतिज कर लेते हैं। लैंप से आने वाली प्रकाश किरणों को पत्ती से लगे दर्पण से परावर्तित करके एक पैमाने के शून्यांक पर केंद्रित कर लेते हैं तथा कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं जिससे कुंडली सहित दर्पण के घूमने से पैमाने पर प्रकाश बिंदु की स्थिति बदल जाती है। यदि पैमाने से दर्पण की दूरी D, विक्षेप φ तथा प्रकाश बिंदु का विस्थापन d हो तो tan2φ = d/D प्राप्त होता है। यदि φ अल्प हो तो tan2φ = 2φ होती है। इसलिए जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि tan2φ = d/D है तो tan2φ = 2φ हमने ले लिया है। तो हम यहाँ पे 2φ का मान प्रयोग करेंगे तो हमें समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है कि 2φ = d/D। इट इंप्लाइज दैट φ = d/2D। चूंकि d नियत होता है अतः φ = d। चूंकि धारा I = φ होता है जैसे हम पहले ही देख चुके हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धारा I = φ and = d।
तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।